हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आईसीटी में फुल फॉर्म्स के बारे में। दोस्तों फुल फॉर्म्स करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको 10 क्वेश्चन दूंगा और उन 10 क्वेश्चन में से आपको देखना है कि कितने क्वेश्चन आपको आते हैं और कितनी तैयारी हमें करने की ज़रूरत है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों अब हम टेस्ट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे कितने क्वेश्चन ठीक होते हैं। और सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिस दोस्त के जितने भी आंसर ठीक है वो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखना ताकि हमें पता चल सके कि हमें कितनी तैयारी करने की आवश्यकता है। दोस्तों यहाँ पे आपके सामने 10 क्वेश्चन हैं और हर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है और आप आंसर बताने के लिए वीडियो को रोक भी सकते हैं अगर आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि ASCII जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है और आगे भी आने की इसकी संभावना है। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं तो इन चारों ऑप्शन में से आप देखिए आपका कौन सा आंसर आ सकता है और अभी मैं आपको इसका आंसर भी बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं और ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं है रुकने के लिए। तो देखिए दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैंने इस पे भी नोट्स बना रखे हैं, वो आपको दिखाऊंगा सभी फुल फॉर्म से। दोस्तों हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है ALU स्टैंड फॉर, ALU की फुल फॉर्म हमें बतानी है। और दोस्तों होता क्या है कि यही जो क्वेश्चन होते हैं ये बार बार आ जाते हैं और हमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन हमने पढ़ा है और लेकिन इसका आंसर क्या होगा पता नहीं पता नहीं, इस तरह से थोड़ा कंफ्यूजन में रहते हैं। तो दोस्तों देखिए इसमें से क्या आंसर होगा, ये चार ऑप्शन दिए इनमें से क्या आंसर हो सकता है। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा दोस्तों अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आ चुका है दोस्तों, तो इस तरह के जो क्वेश्चन है हमें करने बहुत ज़रूरी है। और अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर ये देखिए WWW स्टैंड फॉर, ये हमारा बेसिक जो है दोस्तों, इसे हम WWW हम काफ़ी बार यूज़ करते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि WWW स्टैंड फॉर किसके लिए करता है। तो इसमें से आंसर सोचिए आपका आंसर क्या हो सकता है। और जैसे मेरे को लगता है इसका तो आंसर बिल्कुल आसान है, सभी को पता होगा, इसका होगा वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा वर्ल्ड वाइड वेब। तो दोस्तों ये काफ़ी आसान है और क्वेश्चन पेपर में काफ़ी बार आसान क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, तो हमें आसान से आसान और मुश्किल से मुश्किल सभी क्वेश्चन करने ज़रूरी है, सभी के बारे में सोचना ज़रूरी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम। इसके अंदर इन्होंने दिया है GIF स्टैंड फॉर, GIF के बारे में हमें बताना है। और सबसे पहले तो दोस्तों हमें ये पता होना चाहिए कि GIF किसके लिए यूज़ होता है। जैसे कि हमें पता है GIF हम फ़ोटो वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, जो इमेज अपनी होते हैं उसकी एक्सटेंशन होते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं हम। ठीक है, तो आप इसमें से सोचिए आपका आंसर क्या हो सकता है और आंसर बताइए और वीडियो को आप रोक भी सकते हैं अगर आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर देखिए ऑप्शन नंबर डी होगा, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। और कई बार इसमें हम ये कन्फ्यूज़न में हो जाते हैं कि ग्राफिक इंटरचेंज फाइल होगा या फॉर्मेट होगा। ठीक है, और काफ़ी बार इसमें भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ग्लोबल इन्फॉर्मेशन फॉर्मेट होगा या फिर ग्राफिक इन्फॉर्मेशन फॉर्मेट। तो दोस्तों ये बात आप ध्यान में रखिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट होता है इसका आंसर, हमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। चलिए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। इसके अंदर इन्होंने पूछा है कि FTP स्टैंड फॉर, FTP की फुल फॉर्म क्या है। तो इसमें देखिए आप सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। और जैसा कि मैंने यहाँ पे इंग्लिश और यहाँ पे हिंदी में दोनों लैंग्वेज में दे रखा है तो आप दोनों देख सकते हैं आसानी से।
तो इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ, इसका आंसर होगा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये देखिए इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए है, इसका आंसर वही हो जाएगा, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये हो जाएगा। दोस्तों ये हमारी बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक फुल फॉर्म्स हैं जो हम सभी को पता होती है और यही काफ़ी बार पूछ ली जाती है। देखिए मैं आपको कुछ अलग से भी बता रहा हूँ जो हमारी कॉमन है, कॉमन फुल फॉर्म्स है जो क्वेश्चन पेपर में आ सकती है, जो हमें पता होना चाहिए। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके अंदर हमें बताना है कि पीडीएफ स्टैंड फॉर, पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है। पीडीएफ हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, पीडीएफ यानी कि मोबाइल वगैरह में कोई डॉक्यूमेंट वगैरह वो खोल के देखते हैं, कंप्यूटर वगैरह में ई फाइल जिसे कहते हैं वो होती है पीडीएफ। ठीक है, तो इसमें सोचिए क्या आंसर हो सकता है और बताइए। जैसे मेरे को लगता है इसका भी आंसर लगभग सभी को पता होगा, चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको। ये देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। दोस्तों वही बात कि आप सभी अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि किस दोस्त के कितने आंसर ठीक है 10 में से, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, इसके अंदर इन्होंने पूछा है कि ओ एम आर किसके लिए स्टैंड करता है, ओ एम आर की फुल फॉर्म क्या है। तो इसका भी शायद आपने पढ़ा होगा, और जैसे कि हम ओ एम आर सीट भरते हैं, ठीक है, तो इस तरह का जो होता है वो है ये। तो इसमें बताइए आप क्या आंसर हो सकता है, और चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा, इसका होगा ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। दोस्तों एक बात और बताऊं मैं आपको, यहाँ पे क्या है कि इसके अलावा भी बहुत सी फुल फॉर्म्स हैं, बहुत फुल फॉर्म है, तो उन सभी को आप एक बार ज़रूर देख लेना, और उसका मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। अभी आपको पूरा का पूरा जो फाइल है वो दिखा दूँगा जिसके अंदर सभी फुल फॉर्म्स हमने दी हुई है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। इसके अंदर इन्होंने पूछा है कि CSS स्टैंड फॉर, CSS क्या होता है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए CSS, दोस्तों जब हम वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं तो उस टाइम हमें यूज़ में आता है ये, उस टाइम यूज़ में किया जाता है ये। तो इसमें देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है आपके अनुसार, ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है काफ़ी दोस्तों के लिए, लेकिन वैसे आंसर दे सकते हैं हम इसका। तो सोचिए कि क्या आंसर हो सकता है इसका। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो ऑप्शन सी होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये जो दोस्तों हमारी जो वेबसाइट डिज़ाइनिंग होती है उसमें से आता है, और वेबसाइट डिज़ाइनिंग में और भी फुल फॉर्म्स होती है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब ये देखिए दोस्तों, ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 9, इसके अंदर आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, इसका MOOC का फुल फॉर्म क्या होगा, ये हमें बताना है। और है तो आप बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ तो चलिए मैं आपको इसका आंसर दिखा देता हूँ क्या होगा इसका। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स होगा। ठीक है, और चलिए हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट। इसके अंदर है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HTTP। तो ये भी दोस्तों हमारी वेबसाइट वगैरह से ही रिलेटेड है, प्रोटोकॉल जिसे कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, आप देखिए आपने पहले भी इसके बारे में पढ़ा होगा, तो इसका आंसर बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए मैं आपको इसका आंसर दिखा देता हूँ, इसका आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और आती है कि ये तो देखिए HTTP है, ठीक है, और एक और हमारी प्रोटोकॉल होती है HTTPS, जब एस लग जाएगा तो उसका मतलब क्या होगा, ये देखिए इसकी फुल फॉर्म क्या होगी फिर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। और इसके बारे में दोस्तों वैसे तो अगर मैं बताने लगूँ तो काफ़ी लंबी बात है, काफ़ी लंबा मैटर बन जाएगा, HTTPS और HTTP में क्या अंतर होता है ये मैं आपको कभी और बताऊँगा। तो दोस्तों आज के हमारे 10 क्वेश्चन ये थे, तो इसमें आप सभी बताना कि कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। और दोस्तों मैं अब आपको नोट्स दिखाता हूँ फुल फॉर्म से रिलेटेड, जो हमने नोट्स बनाए हैं जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम वो नोट्स देखते हैं।
दोस्तों फ्री स्टडी नोट्स लेने के लिए आपको nimiji.net वेबसाइट पे जाना होगा, जिसका लिंक मैंने अपनी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आप चाहो तो गूगल में भी सर्च कर सकते हैं nimiji.net, तो वहाँ पे आ जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको दिखाई देगा ऑल अबाउट पेपर फर्स्ट, तो इसमें आपको पेपर फर्स्ट से रिलेटेड जितना भी अपना स्टडी मटेरियल है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब ये देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो है NTA नेट पेपर फर्स्ट स्टडी मटेरियल इन हिंदी PDF, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये ऑप्शन खुल जाएंगे, तो हमारे पेपर फर्स्ट से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं वो हमारे सामने आ जाएंगे। अब देखिए इसमें हमें जैसे कि ICT के नोट्स लेने हैं तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, और इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ICT के अब तक जितने भी नोट्स हमने बनाए वो यहाँ पे आपके सामने आ जाएंगे। अब देखिए हमें जैसे कि फुल फॉर्म का नोट्स लेना है, तो ये देखिए हमारा नीचे से सेकेंड नंबर पर जो हमें दिया हुआ है ये देखिए, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। अब देखिए इस पर हम क्लिक करते हैं, जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो फुल फॉर्म से रिलेटेड जो नोट्स है वो हमारा आ गया है। अब देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए हमारी ए से स्टार्ट होने वाली फुल फॉर्म ये होगी, फिर बी से होगी, फिर सी से होगी, इस तरह से हमारी ए से लेके जेड तक सभी फुल फॉर्म्स यहाँ पे दी हुई है। तो आप ये फुल फॉर्म यहाँ से देख सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों अगर आप ये PDF फाइल में भी लेना चाहो तो आपको PDF फाइल भी मिल जाएगी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। अब देखिए आप जैसे ही नीचे जाओगे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, ये अब ये देखिए दोस्तों ये आपको इमेज दिखाई देगी, नोट्स डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक PDF ओपन हो जाएगी। ये देखिए ये हमारी PDF ओपन हो गई, और ये PDF आपके फ़ोन में सेव हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आप पेपर फर्स्ट से रिलेटेड सभी नोट्स बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं, इसका कोई चार्ज नहीं है। और इन जो नोट्स है इनका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में आप हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।